ओके सो वेलकम बैक टू अनदर एपीसोड ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। आई थिंक ये सातवां एपीसोड है ते आज दे एपीसोड दे विच आपां डॉक्टर इसरार अहमद उन्हां दा एक बयान देखना है जिदे विच ओह न्यू वर्ल्ड दे बारे गल कर रहे हैं, इल्यूमिनाटी दे बारे आई थिंक गल कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी उन्होंने प्रडिक्ट किया है। लैट्स वॉच वीडियो। आई थिंक 1995 के करीब है, बहुत पुरानी है। सो सारे नहीं कहते कि डॉक्टर इसरार अहमद है जो वह बहुत ही मतलब कि वधिया इंसान सी, तो उन्होंने बहुत अच्छिया प्रीचिंग्स कीतियां, एक बहुत वधिया इस्लामिक स्कॉलर सी, कहते उन्होंने वीडियोज़ ज़्यादा तो ज़्यादा देखो। सो लैट्स वॉच टूडेज एपीसोड विद डॉक्टर इसरार अहमद। आज भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जू दर हकीकत यहूद की रेशा दवानी, दर हकीकत ज़ायनिस्ट मूवमेंट तकरीबन 100 बरस पहले जो शुरू हुई, उससे भी 125 बरस पहले ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी, ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था यहूदियों की साजिश, वो आज तक चल रही है। आज भी यहूदी है कि जो इस्लाम का खात्मा और मुसलमानों को अपने कमीकारी बनाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा बनाकर आ चुके हैं, और आज दर हकीकत आपका असल दुश्मन, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ मौलाना से, असल दुश्मन नंबर एक मेरे और आपके अंदर मौजूद है, मेरा और आपका नफ्स। असल दुश्मन ये है, नफ्स से बा हम कम तरफ फिरौन नीज, लेकिन उरा औन इरा औन नीज। और दूसरा खारिजी दुश्मन सबसे बड़ा यहूदी, लेकिन ये कि उस वक्त के और इस वक्त के हालात में बड़ा फर्क पाते थे। आज यहूदी ईसाई पर मुसल्लत हो चुका, यहूदियों ने पूरा आलम ईसाईयत फतह कर लिया, आज पूरा आलम ईसाईयत यहूदियत का अदायकार बन चुका। चुनाचे पहले तो एक ही बात थी, ये तो तकरीबन 300-400 साल कबल हो चुका कि वेस्ट वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स ये तो अदायकार बन गए थे आज से सदियों पहले। इन्हीं के जरिए से यूरोप के अंदर उन्होंने सूद की इजाजत हासिल की, इन्हीं के जरिए से ये सारी फहाशी और ये सारी उरियानी का जो बाजार गर्म किया, ये दर हकीकत आजाद ख्याली, लिबरलिज्म, हुर्रियत, हुर्रियत के फिक्र, हुर्रियत के अमल। मैं आजाद हूं, मैं नंगा जाना चाहता हूं बाजार में, आप कौन होते रोकने वाले? आप अपनी आंखें बंद कर ले, हम आजाद हैं, हम दो मर्द हैं, शादी करना चाहते हैं, शौहर और बीवी की हैसियत से रहना चाहते हैं, आप कौन एतराज करने वाले? ये सारा यहूद की साजिश। और आपको मालूम होना चाहिए जब तक पोप का कंट्रोल था यूरोप पर, यानी अभी कैथोलिक जो ईसाइयत है वो गालिब थी, उस वक्त तक पूरे यूरोप में सूद हराम था, कहीं इंटरेस्ट का कारोबार नहीं हो सकता था। ये प्रोटेस्टेंट्स के जरिए से उसकी इजाजत हासिल की, नतीजा ये निकला। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक इस सदी के आगाज में गया था यूरोप, और वहां जाकर उसने देख लिया था फरंग की रगे जा पंजे यहूद में, मासी एतबार से यहूदियों ने पूरे यूरोप के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। और ये यहूदी कौन थे? रॉथचाइल्ड्स, गोल्डस्मिथ्स। बहरहाल मुझे जो दूसरी बात कहनी थी वो ये कि युरीदून लयुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम, उस वक्त भी यहूदी था, आज भी यहूदी, लेकिन फर्क ये वाकई हुआ है कि उस वक्त यहूदी के कंट्रोल में ईसाई नहीं थे, बल्कि 1200 बरस तक यहूदियों के ऊपर जुल्म और सितम बल्कि होता रहा ईसाइयों के हाथों। पूरे यूरोप में परसिक्यूटेड थे, इन्हें अगर कहीं सहारा मिला मुसलमानों के जरिए से स्पेन में मिला। बेन गोरियान ने खुद लिखा अपनी किताब में कि ड्यूरिंग द डायस्पोरा, ये हमारा जो इंतजार का दौर है 1770 से जो शुरू हुआ था, इस डायस्पोरा के दौरान अवर गोल्डन पीरियड इज द पीरियड ऑफ क्रिश्चियन स्पेन, हमारा सुनहरी दौर वही है जो मुसलमान हस्पानिया का दौर है। इन्हें आराम मिला, इन्हें प्रोटेक्शन मिली, इन्हें ऐश मिले, और वहीं से इन्होंने ईसाइयत के अंदर लकब लगाकर और वहां से अपने रास्ते पैदा किए। और दूसरा काम ये किया, ईसाइयों की अदावत का रुख अपनी बजाय मुसलमानों की तरफ। ये है होशियारी, ये है चालाकी, दुश्मनी तो है, और दुश्मनी के जज्बात को इधर के बजाय उधर कर दो। अंग्रेज क्या करके गया था हमारे साथ? ये कश्मीर का मसला क्यों पैदा हुआ? अंग्रेज ने 200 बरस या कहीं 100 बरस हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, और साबित हुक्मरान के खिलाफ नफरत होती है। जब कोई कौम आजाद होती है अपने साबित हुक्मरानों के खिलाफ नफरत होती है।
उस नफरत को रोका कि इनकी आपस में नफरत के लिए कश्मीर की हड्डी डाल जाओ, आपस में लड़ते रहे, हमारे से हमारी तरफ दोस्ती का हाथ वो भी बढ़ाए, ये भी बढ़ाए। ये बड़ी बहुत बड़ी साजिश थी, ऐसे ही नहीं हो गया था। जान बूझ कर मसला पैदा किया गया कि ये पाकिस्तानी भी हमारे दोस्त रहे, कॉमनवेल्थ में रहे, ये हिंदुस्तान भारत भी हमारा दोस्त रहे, कॉमनवेल्थ में, आपस में लड़े, दुश्मनी का जितना जज्बा है वो आपस में तय कर ले, बाकी हमारे लिए दोस्ती ही दोस्ती रह जाती। बैन ही ये काम यहूद ने किया ईसाइयों का, जो कि हुजूर के जमाने में अक्रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनु, जो करीब तरीन थे मोहब्बत के एतबार से, जिनके कुर्ब की एक मिसाल ये है कि नजाशी रहमहुल्ला ईमान ले आए, जिनके कुर्ब की एक मिसाल ये है वो वफद आया था ईसाइयों का। वैजा समिउ मा उज़िला इलर रसूल तराअयुनहुम तफीदु मिनद दम, जब उन्होंने कुरान सुना उनकी आंखों से आंसुओं की नदियां रवाना हो गई। जिनकी एक मिसाल ये कि मकौकस चाहे मिस्र, उसने हुजूर के एलची का एहसास किया था और वहां से हदीये भेजे थे। जिनके करीब होने की एक निशानी यह है कि हरकल चाहता था कि मुसलमान हो जाए, लेकिन बस ये कि वो हुकूमत और सल्तनत पांव की बेड़ी बनकर पड़ी रह गई। चाहता था पूरी सल्तनत मुसलमान हो जाए, जैसे कभी पूरी सल्तनत ईसाई हो गई थी कॉन्स्टेंटाइन के जमाने में। ये काम हो नहीं सका महरूम, इस कदर करीब थे ये नसारा मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू के। लेकिन ये कि आपको मालूम है 10वीं सदी ईस्वी के बाद से वो नफरत का धारा सलीबी जंगों की शक्ल में आलम इस्लाम पर टूट पड़ा, और उसके बाद हाल ही में जो फतह इन्होंने हासिल की, नोट कर लीजिए कि जहां तक प्रोटेस्टेंट मजहब का ताल्लुक है वो तो पहले से इनकी जेब में था। ये वेस्ट का लफ्ज आपने पढ़ा होगा और अखबारात में आता रहा, खलीज की जंग के दौरान वेस्ट, एक तो कहते हैं ये भीड़ जो काट जाती है वो सूझ जाता है, एक वेस्ट मुखफ्फफ है, वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट्स, सबसे पहले यहूद ने उन्हें शिकार किया, अपना आलायकार बनाया। यही वजह आपको मालूम है 1917 में अंग्रेजों के जरिए से उन्हें यह इजाजत मिली कि फिलिस्तीन में जमीनें भी खरीद सकते हैं, जायदादें भी खरीद सकते हैं। बालफोर डिक्लेरेशन, हिंदुस्तान इंग्लिस्तान का वजीर खारजा था जिसने कि यह इजाजत दिलवाई है, वरना यह कि खिलाफत उस्मानिया जब तक कायम रही है, खलीफा उस्मानी तुर्क खलीफा ने इजाजत नहीं दी, इसलिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने, यह भी अब तारीख की एक हकीकत बयान कर रहा हूं जो शायद बहुत से हजरात के इल्म में न हो, कि जब यरूशलम के ईसाइयों ने सरेंडर किया है यरूशलम, हजरत उमर आए हैं, तशरीफ लाए हैं मदीना मुनव्वरा से चार्ज लेने के लिए, उस वक्त जो ट्रीटी लिखी गई है, जो मुआहदा हुआ है, उसमें वहां के यहूदियों और यहां के ईसाइयों ने तय कराया था कि यहां आप यहूदियों को आबाद होने की इजाजत नहीं देंगे। यहूदी आ सकता है, ज़ियारत कर सकता है, अपने मुकामात मुकद्दसा को आकर देख सकता है, यहाँ आबाद नहीं हो सकता। और ये कौन शर्त लगा, ईसाई, उस वक्त तक ईसाइयों की दुश्मनी यहूदियों के साथ इस दर्जे में थी, और यही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो शर्त थी कि सलातीन उस्मानिया, खुलफाए उस्मानिया ने भी, हालांकि यहूदियों ने बड़ी से बड़ी रिश्वत देने की कोशिश की है, सुल्तान अब्दुल हमीद खान को यूं समझिए कि सीमो दर से खरीदने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद उनका कि जो फैसला हजरत उमर कर गए थे, जो कमिटमेंट रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी है, मैं उससे सरे मुंह इन्हिराफ नहीं कर सकता। असल में उसी की तो सदा है जो फ्री मेसनरी के जरिए से खिलाफत का खात्मा कराया गया, कि यही सबसे बड़ी रुकावट है। अगर खिलाफत खत्म न होती और अगर कहीं जिहाद का ऐलान खलीफा उस्मानी की तरफ से हो गया होता तो ये कहीं थी बात, जब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब ये असीरी में थे माल्टा में, तो वहां का अंग्रेज कमांडर, उसने क्योंकि वो कुछ मुरीद हो गया था या कम से कम अकीदतमंद हो गया था, एक रोज हजरत शेखुल हिंद ने उनसे सवाल किया उस शख्स से कि आप लोग हमारी खिलाफत के पीछे क्यों पड़े हो, ये तो बीमार तुम खुद कहते हो, यूरोप का मर्दे बीमार तुर्की, आपको क्या डर है इससे, आप क्यों इस बेचारी खिलाफत के दर पे हैं। उस शख्स ने जवाब दिया था, मौलाना इतने भोलपन के साथ बात ना कीजिए, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, अगर कहीं खिलाफत उस्मानिया की तरफ से जिहाद का ऐलान हो गया तो पूरे आलम इस्लाम से लाखों मुसलमान अपने सरों से कफन बांध कर निकल आएंगे। आज इस गए गुजरे दौर में भी इस कमजोर
और यूं समझिए कि नाम लिहाज खिलाफत के अंदर इतनी जान है, इतनी ताकत है, लिहाजा उसको खत्म किया गया। और खत्म कराया गया किसके जरिए से? वो जो मुसलमान कहलाते हैं थे फ्री मेसन, मुस्तफा कमाल पाशा फ्री मेसन, और उसके जरिए से इन्होंने सारे काम जो करवाए वो दर हकीकत अपने साजिशों के जरिए से और मुसलमानों को इस्तेमाल करके। बहरहाल बात लंबी हो रही है। पहली बात तो यह है कि वही नक्शा उस वक्त का आज भी है जहां तक यहूदियों का ताल्लुक है, लेकिन फर्क ये वाकई हो गया कि उस वक्त ईसाई यहूदियों के ताबे नहीं थे, बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के माबेन दुश्मनी थी। आज यहूदी ईसाइयों पर मुसल्लत हो चुका है। फरंग की रगे जहां बन जाए यहूद में है, और आज के फरंग का लीडर अमरीका है। अमरीका का सदर यूं समझिए कि वो इन यहूदियों का गुलाम है। मजाक नहीं कि उनकी मर्जी से इधर से उधर हो जाए, और अगर कोई गलती से इधर से उधर हो जाए तो उसका पत्ता चाक हो जाएगा। आप देखिए क्या हशर हुआ है बुश का। हालांकि बहुत बड़ा हीरो बनकर निकला था गल्फ वॉर से, लेकिन जरा सा एक बयान दे दिया था कि जो इसराइल को पसंद नहीं आया, तो जो इलेक्शन में चारों शाने जीत हुआ है उसका जो हशर हुआ है वो देख लीजिए। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आज भी यहूदी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसमें ईसाई दुनिया उसकी आधा का। सो गाइज ये सी डॉक्टर इसरार अहमद होना की एक वीडियो जिद उन्होंने बड़े वधिया ढंग दे नाल एक कई गल्लां आपां नूं समझाइया दसिया, जिदा ईसाइयां ते मतलब अज की गल नहीं है इन्होंने की, इन्होंने पहलों की गल की कि जिहड़े पहला ईसाई से जां यहूदी से वह आपस दे विच एक तरह का दुश्मनी से उन्होंने विच, पर अज हुण जिदा अमेरिका के अंडर यहूदी ते इस्लाम सॉरी यहूदी ते ईसाई मतलब ये इकट्ठे काम करते हैं। जिदा उन्होंने बुश की बड़ी सोहनी एग्जाम्पल दी, क्योंकि वह इजराइल के खिलाफ बोले थे, एक सिर्फ एक स्पीच दी थी तो उन्होंने जो इलैक्शन के उन्होंने चक के बाहर मारिया, इदा की गल है ना। तो यह वाकई मेरे ख्याल यदा फर्क तो इन्होंने चीज़ों का पैदा है यार, क्योंकि कोई भी पोलीटिकल लीडर आ चाहे हूँ इमरान खान थोड़े पाकिस्तान, जेकर उन्होंने कुछ इदा दल की अमेरिका के खिलाफ बोले तो सेम चीज़ उन्होंने भी हुई है। एंड आ चीज़ा देखो 25 साल पहला दी वीडियो है 1995 की, उदो इन्होंने यह कॉन्सैप्ट जरा क्लीयर करता इलूमीनाटी वाला, क्योंकि इलूमीनाटी जरा सारा कुछ आप ज़्यादातर यहूदिया की कौम में ही ये चीज़ देखने मिलती है कि वह शैतान पूजते हैं, दज्जाल का कॉन्सैप्ट जरा, ठीक है। तो यह सारिया चीज़ा मतलब उधरों ही मनिया जाता करके इन्होंने यह चीज़ दसी है। इतने मतलब जो होना जिम्मे उन्होंने पहले दसता ना, हाँ मतलब भी हूँ कि वर्ल्ड की की सिचुएशन बननी है, कि कम्यूनिटी कि कौम कि रल के कि निशाना बना हूँ इन्होंने कह मतलब भारत ना जिमें कराती कहते भी ना भी जिम्मे आपस चढ़न लग गए भारत कश्मीर की, क्योंकि जो गल मैं वाकई इन्होंने बहुत सही लगी, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान का मेन रौला की है वो कश्मीर का ही रौला है। तो यही गल मैं अज वाकई हूँ क्लीयर हुई है कि यह रौला शुरू तो पिया ही क्यों है, क्योंकि जेडे अंग्रेज़ सके वह इदा का कुछ करके कि हाँ इंडिया पाकिस्तान ने आपस लड़ी जाए तो साढ़े नाल जो भी दोस्ती दा तब दूगा तो अगे वो असं काम करा। एंड ये गल मेरे ख्याल वाकई सच है, ठीक है। कदे इंडिया की अमेरिका नाल बनती है, कदे इंडिया की अमेरिका नाल नहीं बनती, कदे पाकिस्तान की अमेरिका नाल बनती है, कदे नहीं बनती। पाकिस्तान अपने अकॉर्डिंग देश चलाने की कोशिश सॉरी अमेरिका अपने अकॉर्डिंग दुनिया चलाने की कोशिश कर रहा, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर मनिया जाता है, ठीक है। तो पर जड़े हालात हूँ रशिया तो यूक्रेन के हुए आ, उस तो बाद मतलब आप कह सकते हैं कि रशिया भी बहुत पावरफुल कंट्री है, पर देखो जिनी मर्जी पावरफुल कंट्री हो जड़ा जो अजकल दे सिचुएशन दे विच ना तुसी युद्ध किसी कंट्री नाल किसी का नहीं हो सकता, हो सकता है तो जिहड़ी कंट्री नाल होएगा वह कंट्री का सत्यानाश ही है। लाइक जिवें हुण तुसी देख रहे हो रशिया नाल सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, सारे कम्यूनीकेशनस बंद है, सारा किन्ना कुछ उन्होंने लॉस होया, किन्ना बिग लॉस होया, सिर्फ एक उन्होंने यूक्रेन हासिल करन दे लई पूरी वर्ल्ड दे नाल जिहड़ा अपना नाता खत्म कर लिया। सो इदां दीआं चीज़ां जिहड़ियां चलदियां रहिंदियां अपने इस दुनिया दे विच, पहलां जिहड़ियां दो वर्ल्ड वार होईयां उन्हां दा की हल निकलिया, जां जो धार्मिक जंगा होईयां उन्हां दा की हल निकलिया, इजराइल दे विच किन्ना बुरा हाल है, फलस्तीन ते किन्ना जुल्म कीता जांदा। सो एक डीप टॉपिक है, ये मतलब कुछ मैं कहना इदा भी सीरीज शुरू करिए जिस सिर्फ इदा एपीसोड आना है ये बहुत वधिया गल्लां करते हैं इन्हां दी, आपां नैक्सट फिर वीडियो बना लेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ जी मतलब होर भी होंदियां जिवें ओह पिछली वारी बाली कैंट सीगी, मतलब कि हैप्पी किदां रहना खुश किदां रहना ओह वीडियो बनाई सी, जिन्हां ने ओह नहीं देखी देख लियो, इन्हां दा वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, वधिया है ना। सो ठीक है जी, ऐसी अज्ज दी वीडियो तुहानूं कि दिल के नीचे कमेंट करके जरूर दस्सियो अपनी राय ओपीनियन जरूर दिओ, मिलदे हां किसी होर वीडियो च, सत श्री अकाल।